सलाम अलैकुम। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करती हूं मैं जस्ट फॉर किड्स में। जी हां, जस्ट फॉर किड्स सीजन 2 अभी आ चुका है और आपके लिए हम लेकर आए बहुत कुछ नया। जैसे कि आप जानते हैं, जस्ट फॉर किड्स के सीजन 2 में स्टोरी टेलिंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूं, जहां मैं आपको कहानी सुनाती थी, वहीं हमारे बच्चे चूज करेंगे हमारे बुक में से कि उनको कौन सी कहानी चुननी है। स्टोरी टेलिंग की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक नसीहत या एक एडवाइस देना चाहती हूँ, जैसे कि हर अपने सेगमेंट से पहले मैं आपको देती हूँ। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे हमसे पूछते हैं कि हम अपने पेरेंट्स के साथ सीक्रेट शेयर कैसे करें, क्योंकि जब भी हम सीक्रेट शेयर करते हैं वो हम पे गुस्सा हो जाते हैं या फिर हमें डर लगता है कहीं वो मारेंगे। मेरा एडवाइस आपको ये है बच्चों कि अगर आपको कुछ शेयर करना है अपने पेरेंट्स के साथ, तो ये समझ लीजिए कि अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो हो सकता है, चांसेस हैं कि वो किसी और को बता दें, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे, अपनी मम्मी के साथ शेयर करेंगे, तो वो कभी लीक नहीं होगी या वो कभी किसी और को नहीं बताएंगे, वो आप तक और आपकी मम्मी तक महफूज रहेंगी। ये एक बात है। और मैं अपने पेरेंट्स को एडवाइस करना चाहूँगी कि अगर आपके पास आपके बच्चे आए कुछ सीक्रेट बोलने के लिए, भले आपको तभी बहुत गुस्सा आए कि वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन आप तभी शांत हो जाइए, सुकून में अच्छे से पेशेंस से काम लीजिए, तभी आप उनकी बात सुन लीजिए और अच्छे से ठंडे दिमाग से उनको एडवाइस दीजिए, प्यार से, मोहब्बत से। अगर आप गुस्सा करेंगे तो वो अगली बार आपको सीक्रेट कभी नहीं बताएंगे। यही गलतियाँ माँ बाप करते हैं, क्योंकि हम आज के टॉपिक है मदर्स एंड डॉटर्स या मदर और पेरेंट्स के बारे में, क्योंकि आज हमने सोचा कि क्यों ना हम बीबी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की विलादत को सेलिब्रेट करें। जी हाँ, इसी मौके पर ये एडवाइस को लेकर मैं आप सबको बीबी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की विलादत की बहुत बहुत मुबारक देती हूँ पूरे जस्ट फॉर किड्स की टीम की तरफ से। मेरे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि जो एडवाइस मैंने आपको दी है सीक्रेट को लेकर वो आप अमल करेंगे, और जो माँ बाप को दी है, जो पेरेंट्स को दी है, वो भी अमल करेंगे, ताकि आपका जो रिलेशन हो, जो बॉन्ड हो, वो और भी स्ट्रांग हो जाए। आपको मेरी एडवाइस कैसे लगी ये बताइएगा, और अमल करने के बाद बताइएगा कि असर हुई है कि नहीं। आपके दिए गए स्क्रीन पर जो ईमेल एड्रेस है उस पर बताइए कि आपको मेरी एडवाइस कैसी लगी, क्या ये काम किया है या नहीं। चलिए, वक्त हो चला है कि हम अपने बच्चे को कहानी सुनाएं स्टोरी सेगमेंट की, और आइए जानते हैं कि आज बच्चे को कौन सी कहानी सुननी है मेरे से। चलिए, गुफ्तगु हो जाए बच्चों से। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? परफेक्ट, वेरी गुड, बहुत एनर्जेटिक दिख रहे हो आप लोग। चलिए, आप बताइए कि कुछ शेयर करना चाहते हैं आप मेरे साथ, कुछ ऐसी बात स्कूल में हुई हो, फ्रेंड्स के साथ हुई हो, घर पे हुई हो, जो आप शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ। मेरे सेगमेंट में आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं। कोई है ऐसा? बताइए बताइए। मेरा नाम मरियम है, और आज स्कूल में मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मेरा झगड़ा हुआ। झगड़ा हो गया, क्यों? वही एटीट्यूड, ईगो प्रॉब्लम, हर बात में गुस्सा अक्सर होता है दोस्तों में। मैंने देखा है कि दो बेस्ट फ्रेंड्स में झगड़ा हो जाता है क्योंकि एक अकड़ती है, या फिर एक एटीट्यूड आ जाता है क्योंकि अच्छे मार्क्स मिले, या फिर कोई दूसरी फ्रेंड बन गई, है ना? आता है ना वो कभी कभी। वही वजह होती है जो झगड़ा होता है। उसको आप प्यार से समझाइए, आई एम श्योर वो आपकी बात जरूर मानेगी। एक चॉकलेट दे दीजिए, खुश हो जाएगी वो। आप बताइए, आपको शेयर करना चाहते हैं आपका नाम? मेरा नाम बैतूल है, और मैं अपनी फ्रेंड के साथ इमाम बारगाह गई थी ज़ियारत करने। ओह, दैट्स नाइस। इमाम बारगाह गई थी ज़ियारत करने के लिए, दुआ मांगी आपने? यस। वेरी गुड, इंशाल्लाह आपकी हम सब दुआ करेंगे कि आपकी दुआ बहुत जल्द कबूल हो। ठीक है, बताइए, आप बताइए, आप कुछ बोलना चाहती हैं, बताइए। मेरा नाम फातिमा है, और मेरी फ्रेंड का हाथ फ्रैक्चर हो गया। ओह, आपकी फ्रेंड का हाथ फ्रैक्चर हो गया। आप गई थी उनको विजिट करने के लिए? यस। बीमारों को विजिट करना भी बहुत अच्छी बात है। हाँ बच्चों, सवाब का काम है बीमारों को विजिट करना, तो हम सब दुआ करेंगे कि आपकी फ्रेंड का जो हाथ है वो जल्दी ठीक हो जाए, शिफा मिले उसको। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया हमारा डिस्कशन टॉपिक, हमारा जो चलता है सेगमेंट में कि डिस्कशन हो, हम कुछ डिस्कस करें या कुछ शेयर करें, ये तो हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे स्टोरी की ओर। अब आपको जाके कोई भी जाए और कोई भी बुक उठा के लेकर आओ, बताइए आपको कौन सी कहानी सुननी है। ठीक है, आप लड़कियाँ जाएंगी, कोई भी चले जाए, और बताइए आपकी बेस्ट फ्रेंड के साथ झगड़ा क्यों हुआ आपका? बहुत एटीट्यूड, किसी और के साथ तो फ्रेंडशिप नहीं होगी उसकी, तो फिर झगड़ा स्टडीज को लेके, सीक्रेट को लेके, सीक्रेट को लेके हो गया। हाँ, ऐसा होता, अक्सर होता है। वेरी गुड, ओके। ये कहानियाँ नहीं है, ये बुक नहीं है, आप डिस्कस कीजिए, लड़के लोग डिस्कस कीजिए, और मुझे बताइए कि बॉयज आज डिस्कस करेंगे। हाँ बताइए, क्या क्या कहना चाहते हैं आपको जाना है? ये तो बुक आ गई, अब क्या करेंगे? अब आप लोग सब मिलकर डिस्कस कीजिए और डिसाइड कीजिए कि अब कौन सी कहानी सुना है, जल्दी जल्दी। ठीक है, देखते हैं कि कौन सी कहानी आज सुनते हैं बच्चे। आई होप अच्छी कहानियाँ सुने, क्योंकि वो कहानी मैं, आई थिंक वो बुक मैंने पहली बार देखी है, तो कुछ इंटरेस्टिंग कहानी होगी इस बार, है ना?
ये ले लेना, एडिट में ले लेना कि लोग डिस्कस कर रहे, फुटेज मिलेगा। हो गया? हाँ दे दो। बताइए बताइए कौन सी कहानी आपने चुनी है? परफेक्ट। देखते हैं ये वाक्या क्या है, सुना चाहेंगे आप लोग? रेडी? यस। चलिए। एक बार बीबी खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कपड़ा सी रही थी, एक ड्रेस सी रही थी। तभी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए और उन्होंने देखा कि बहुत ही शिद्दत से वो एक कपड़ा सी रही हैं बीबी खदीजा। तो उन्होंने कहा कि ये क्या सी रही हो? बीबी खदीजा के पास आया, कहा कि क्या सी रही हो? तो बीबी ने कहा कि मैं एक ड्रेस सी रही हूँ जो मेरी बेटी के लिए होगा, मेरी बेटी के लिए मैं एक ड्रेस सी रही हूँ, स्टिच कर रही हूँ। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है कि तुम अपनी बेटी की शादी तक जिंदा रहो, तो कैसे दोगी ये ड्रेस, कैसे दोगी? तो वो बोल के चले गए, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बोल के वहाँ से चले गए। तब बीबी खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उन्होंने कहा कि, और उस ड्रेस को जब पूरा स्टिच हो गया था तब वो गए और कहा कि अगर मैं जिंदा नहीं रहूँगी अपनी बेटी की शादी के लिए तो क्या जो मेरी पड़ोसी है, जो मेरी फ्रेंड भी है, क्या वो जिंदा रहेगी तभी? तो मैं उसको दे दूँ ये अमानत, वो अमानतदार भी है, क्या वो जिंदा रहेंगे, आप बता सकते हैं? तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, आपकी जो दोस्त है, जो पड़ोसी है, वो आपकी बेटी की शादी तक जिंदा रहेंगी, आप उसको अपनी अमानत दे सकते हैं ताकि वो आपकी बेटी तक ये अमानत पहुँचा दे उनकी शादी के वक्त। तब बीबी खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहि ने अपने पड़ोसी के पास, अपनी जो उनकी जो फ्रेंड थी उसके पास गए और उनके पास उन्होंने वो अमानत दी और कहा कि जब मेरी बेटी की शादी होगी, जब भी शादी होगी, मैं जिंदा रहूँ नहीं रहूँ, तुम ये अमानत उस तक पहुँचा देना और कहना कि अपनी माँ ने दिया है, अपने हाथों से सीकर माँ ने ये तोहफा दिया है। वो जो उनकी जो फ्रेंड थी, उन्होंने कहा ज़रूर, मैं ये ज़रूर कहूँगी, और उन्होंने वो जो ड्रेस था वो रख लिया। कुछ साल बीत गए, उसके बाद बीबी फातिमा तो ज़रा सल्लल्लाहु अलैहा की जब शादी हुई, जब निकाह हुआ, अक्द हुआ, तब जो वो दोस्त थी बीबी खदीजतुल कुबरा की सल्लल्लाहु अलैहा की, कि उन्होंने कहा कि ये गिफ्ट, ये तोहफ़ा आपकी माँ की तरफ से है। इन्होंने ये तोहफ़ा कबूल किया और उन्होंने वो ड्रेस पहना, बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी बेशक। तभी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पर आए और देखा कि बीबी एक पुराना लिबास पहनी हुई है। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फातिमा, ये क्या है, तुमने नया कपड़ा नहीं पहना, ये लिबास तो पुराना लिबास है, नया लिबास क्यों नहीं पहनती? तो बीबी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा ने कहा कि बाबा, मैंने वो जो कपड़ा है, जो लिबास है, वो मैंने सेफ कर दिया है और एक स्पेशल ओकेजन के लिए रखा है, स्पेशल ओकेजन, कभी कुछ स्पेशल चीज़ होगी वहाँ मैं पहनूंगी, इसलिए मैंने वो कपड़ा सेव कर लिया है। तो पता है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? वो समझ नहीं पाया, उन्होंने कहा कि क्या कहना चाहती हो बेटा? तो तभी बीबी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा ने पता है क्या कहा, कि वो मैंने जो ड्रेस है वो एक कल मेरे दरवाजे पर एक गरीब औरत आई थी और उसने कहा कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, मुझे कपड़े चाहिए। तभी मैंने वो लिबास अपना, जो मुझे इतना पसंद था, जो मेरी मम्मी ने मेरे लिए स्टिच किया था, वो लिबास मैंने उसे दे दिया, क्योंकि मेरे पास वही एक लिबास था जो बहुत अच्छा था और नया था, मैं पुराना नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने नया लिबास उस गरीब को दे दिया। और मैं जानती हूँ कि इस लिबास के बदले अल्लाह मेरे लिए बेहतरीन लिबास मुझे अता करेगा और जब कयामत के दिन जब सब लोग होंगे वो लिबास मैं पहन कर आऊँगी, ये मैंने अल्लाह की राह में उस गरीब को दे दी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए अपनी बेटी के एक्ट से। हाउ स्वीट। अब आप बताइए कि आपने इस कहानी से, इस वाक्य से क्या सीखा? ये आज के ओकेजन के लिए कितनी स्वीट कहानी थी मदर एंड डॉटर की, है ना, ये रिलेशनशिप की, बहुत स्वीट। बताइए क्या सीखा आपने? वी शुड ऑलवेज डू चैरिटी। जी हाँ, वी शुड ऑलवेज डू चैरिटी मेरे बच्चों। जो भी आपके पास है, बीबी ने आपके अपना जो बेहतरीन लिबास था वो दे दिया, उसको खाली हाथ नहीं जाने दिया, भले इनके पास कुछ भी हो, जो थोड़ा बहुत था वो भी उन्होंने राय खुदा में दे दिया। तो इससे हमें सीख हासिल होती है कि हमें चैरिटी करना चाहिए। ओके, वेरी गुड। आप बताइए। हमें अच्छे से अच्छा देना चाहिए गरीब को, कोई अपना पुराना नहीं देना चाहिए। वेरी गुड।
अगर बीबी चाहती तो अपना पुराना लिबास जो वो दूसरे दिन पहनी थी, अगले दिन पहनी थी, वो दे सकती थी, है कि नहीं? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अच्छे से अच्छा लिबास, जो उनका फेवरेट लिबास था, वो दिया। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि आपके पास जो भी बेस्ट चीज़ हो आपको दे देना है चैरिटी में, ताकि अल्लाह उसके बदले में आपको और भी बेहतरीन चीज़ अता करेगा। सबसे जो पुरानी चीज़ है वो नहीं देना है, हाँ, जो आपकी मनपसंद चीज़ है, आपको टेस्ट अल्लाह करता है। ही ओनली टेस्ट हिज बेस्ट पीपल। सो अगर आपको उनके बेस्ट होना है, अल्लाह का बेस्ट होना है, तो आपको अपने अच्छी से अच्छी चीज़ देना होगा, ठीक है? वेरी गुड। और कोई आप बताइए, अगर कोई भी गरीब हमारे दरवाजे पर आए तो हमें उसे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए? जी हाँ, खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए हमें। कोई भी आपके दर पर गरीब आए उसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले तो जो मदर डॉटर का रिलेशनशिप था, बीबी खदीजतुल कुबरा सलवातुल अलैहा ने बहुत साल पहले ही उनकी बेटी के लिए वो प्यार दिखाया, वो लव और अफेक्शन दिखाया, एक कपड़े के जरिए स्टिच किया उन्होंने, और उन्होंने वो गिफ्ट करना चाहती थी उनकी शादी के लिए। वो जानती थी कि वो नहीं जिंदा रहेंगे, फिर भी उन्होंने पूरा वो स्टिचिंग कंप्लीट की और अपने बेटी के लिए एक गिफ्ट रखा है। और बीबी फातिमा ज़हरा, ये भी पता चलता है कि जो उनकी जो पड़ोसी थी, जो बेस्ट फ्रेंड थी, वो अमानतगार थी, है ना? उन्होंने चीटिंग नहीं की, वो अमानत जो दी, ऐसे नहीं कि वो खुद की बेटी के लिए खुद के लिए उन्होंने रख लिया, वो अमानतदार थी। ये भी पता चलता है कि अगर आपको कोई कुछ अमानत दे तो आपको उसको अमानतदार बनना है, धोखा नहीं देना है, ओके? यू हैव टू बी ट्रस्ट वर्थी। और उसके बाद जब बीबी तक ये बात पहुंची और जब वो ड्रेस पहुंचा, तो बीबी ने जैसे ही पहले कोई भी इंसान जो उनके पास जो गरीब आई थी और उन्होंने कहा कि मेरे पास कपड़े नहीं है, तो उन्होंने पुराना लिबास नहीं दे दिया, वही लिबास जो उनका सबसे बेस्ट और अच्छा था वही दिया, ताकि अल्लाह के सामने, अल्लाह के लिए उन्होंने अल्लाह के बंदे के लिए मदद की, ताकि अल्लाह उनके बदले में, वो जानती थी इसके बदले में अल्लाह और भी बहुत कुछ देगा, इससे बेहतर लिबास देगा, है ना? तो हमें भी अपना बेस्ट देना है, ठीक है? वेस्ट नहीं देना, बेस्ट देना है, ओके? वेरी गुड। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज का वाक्य आपको बेहद पसंद आया होगा। जैसे कि मैंने कहा कि हमें इस वाक्य से पता चलता है कि मदर और डॉटर का रिलेशन कितना कितना एक अहम हिस्सा है अपनी ज़िंदगी का, और कैसे एक ब्यूटीफुल मैसेज हमें हमारी बीवियों ने दिया है, और वो हमें ध्यान में रखना है ताकि हमारा भी रिलेशन हमारे बच्चों के साथ और भी स्ट्रांग हो सके, हमारे पेरेंट्स के साथ और भी स्ट्रांग हो सके। उम्मीद करती हूँ कि ये वाक्य आपको बेहद पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो आप अपने कमेंट्स, फीडबैक्स हमें लिख भेज सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पर आप हमें लिख भेज सकते हैं कि आपको हमारा सेगमेंट या हमारी कहानी वाक्या कैसा लगा है। और भी कोई वाक्या या और भी कोई स्टोरी अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो एक वीडियो के जरिए आप शेयर कर सकते हैं, वो मैं अपने सेगमेंट के अगले एपिसोड में, वो सेगमेंट में दिखाऊंगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जहां मासूम करेगी हमारे बच्चों से कुछ इंटरेस्टिंग सवाल जवाब। आइए देखते हैं डिटेलों में क्या है खास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डियर व्यूअर्स, सलाम अलैकुम, आप सभी का इस्तकबाल है जस्ट फॉर किड्स के दूसरे सेगमेंट डिडियो नो में, जहाँ पर हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों की नॉलेज को टेस्ट करने के साथ साथ उनकी नॉलेज में इजाफा भी करें, और ख़ास तौर पर हम ध्यान रखते हैं उन बच्चों का भी जो हमें घर बैठे देख रहे हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं हमारे एक सेगमेंट की तरफ, और देखते हैं बच्चे कितना तैयार है हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। सो किड्स, आर यू ऑल रेडी? यस। हम शुरुआत करेंगे हमारे इस्लामिक सवालों की, एंड वी विल स्टार्ट विद बॉयज। बॉयज़, आपके लिए हमारा पहला सवाल है, अबुल अंबिया किस नबी को कहा जाता है? वो कौन से नबी है जिन्हें अबुल अंबिया कहा जाता है? ये वो नबी हैं जिनके दोनों बेटे प्रॉफेट हैं। जी बताइए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वेरी गुड जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया कहा जाता है। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गर्ल्स। गर्ल्स, आप हमें बताइए, अबुल बशर किस नबी को कहा जाता है? जी बतुल बताइए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। वेरी गुड, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। बशर के क्या मायने हैं? फादर ऑफ मैनकाइंड। या अबुल बशर मींस फादर ऑफ द एंटायर मैनकाइंड। वेरी गुड। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर बॉयज। बॉयज, आप हमें बताइए, कोई भी दो पैगंबर का नाम बताइए जिनके वालिद भी पैगंबर हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छोड़कर, क्योंकि अभी हमने उनका किया था, उसके अलावा बताइए। जी जनाब यूसुफ। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद? जनाब याकूब अलैहिस्सलाम। वेरी गुड, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम और आपके वालिद हैं जनाब याकूब अलैहिस्सलाम। जी जवाब आप जानते हैं? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। वेरी गुड, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनके वालिद हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गर्ल्स। गर्ल्स, आप हमें बताइए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क्या उम्र थी जब उन पर इंजील नाजिल हुई थी? इंजील क्या है वैसे? होली बुक। यस, होली बुक है।
چار آسمانی کتابوں میں سے ایک ہے. تو آپ کو یہ ہمیں بتانا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ایج تھی؟ جی فاطمہ بتائیے. 30 ایئرس. ویری گڈ, اٹ از 30 ایئرس. آپ کی ایج 30 ایئرس تھی. اب ہمارا اگلا سوال بوائز آپ سے ہے. آپ ہمیں بتائیے حضرت زکریہ علیہ السلام کا حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے کیا رشتہ ہے؟ جی علی اصغر بتائیے. ان کے انکل تھے. جی, حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے انکل تھے, لیکن کیا رشتہ تھا؟ اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ انکل تھے, دیٹ از رائٹ. جی بتا سکتے ہیں جوانا؟ خالو تھے. ویری گڈ, ان کے خالو تھے. اب بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف جو کہ گرلز آپ سے ہے. آپ کو ہمیں بتانا ہے امام سجاد علیہ السلام نے کتنے اماموں کا دورہ امامت دیکھا؟ کتنے اماموں کا دورہ امامت امام سجاد علیہ السلام نے دیکھا ہے؟ جی بتائیے فاطمہ. 3 امامس. کین یو نیم دیم؟ امام علی علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام. آر یو شیور امام علی علیہ السلام کا بھی دورہ امامت دیکھا ہے؟ یس. یو آر رائٹ. جب امام علی علیہ السلام کی امامت تھی تب آپ کی ایج 2 سال کی تھی. ویری گڈ فاطمہ. نو مائی نیکسٹ کوسچن از فار بوائز. بوائز آپ کو ہمیں بتانا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے روز کنویں میں تھے؟ ہم یہ فیمس واقعے کو جانتے ہیں, ہے نا, سب جانتے ہیں کہ ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا. تو آپ کتنے دن تک کنویں میں تھے, کوئی بتا سکتا ہے؟ جی بوائز. جی علی ادی, آپ جانتے ہیں کہ کتنے دن تک کنویں میں تھے؟ بتائیے. 3 ڈیز. ویری گڈ, 3 ڈیز تک کنویں میں تھے. جی ہمارا آخری سوال گرلز آپ سے ہے. آپ ہمیں بتائیے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ایک لقب منصورہ ہے, اس کے کیا معنی ہے؟ جی بدول بتائیے. جس کی مدد اللہ کرتا ہے. ویری گڈ, جس کی مدد اللہ کرتا ہے. ویری گڈ. اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سوالوں کی طرف جو کہ ہے جنرل نالج کوسچنز, اینڈ وی ول اسٹارٹ وتھ گرلز. گرلز آپ کے لیے ہمارا سوال ہے, وچ آف دیز نمبرز از اونلی ڈیویزیبل بائی 1 اینڈ اٹ سیلف, یعنی کہ صرف 1 سے ڈیوائڈ ہوگا یا پھر خود سے وہ ڈیوائڈ ہوگا وہ نمبر, ٹھیک ہے؟ آپ کے آپشنس ہیں 12 13 14 15. تینوں کا آتا ہے؟ جی مریم بتائیے. 13. ویری گڈ, اٹ ول بی ڈیویزیبل بائی 1 اور ایدر 13. اور جو باقی نمبرز ہیں 12 14 اینڈ 15, دے کین بی 12 کین بی ڈیوائڈیڈ بائی 2. ویری گڈ. ایون 3 14 14 2 7. ویری گڈ. 15 5 اینڈ 3. ویری گڈ, 5 اینڈ 3. میتھس آپ لوگوں کو اچھے سے آتا ہے, دیٹ مینس. ناؤ مائی نیکسٹ کوسچن از فار بوائز. بوائز آپ ہمیں بتائیے, وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ؟ ٹویٹر, فیس بک, گوگل پلس, ویکیپیڈیا. جی علی اصغر بتائیے. ویکیپیڈیا. ویکیپیڈیا, واٹ از ویکیپیڈیا؟ ریسٹ آل آر سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس اینڈ ویکیپیڈیا از انسائیکلوپیڈیا. یس, اٹس یو کین گو, یو کین سرچ انفارمیشن اوور دیر. آپ لوگ جانتے ہیں کہ ویکیپیڈیا از دا 5th موسٹ فیمس ویب سائٹ ان دا ورلڈ, بٹ اٹس ناٹ اے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ. اوکے جی گرلز, آپ کے لیے ہمارا سوال ہے, ان انڈیا وچ آف دا فالوئنگ کنسسٹ آف 6 ڈیجٹ؟ آپ کے آپشنس ہیں موبائل نمبر, پن کوڈ, آدھار نمبر, پین کارڈ نمبر. جی جی فاطمہ بتائیے. پن کوڈ. آر یو شیور؟ یس. اٹ کنسسٹ آف 6 ڈیجٹ. یس. ریسٹ کنسسٹ آف ہاؤ مینی ڈیجٹس؟ مور دین 6. یس, اور پن کوڈ کنسسٹ آف 6 ڈیجٹ. اوکے ویری گڈ. ناؤ مائی نیکسٹ کوسچن از فار بوائز. بوائز آپ ہمیں بتائیے, واٹ از دا ٹیسٹ آف پیور واٹر؟ واٹ از دا ٹیسٹ آف پیور واٹر؟ محمد عباس آپ بتا سکتے ہیں؟ بس واٹر از ٹیسٹ لیس. یس یو آر رائٹ, پیور واٹر کا کوئی بھی ٹیسٹ نہیں ہوتا. واٹر از ٹیسٹ لیس, کلر لیس اینڈ آڈر لیس. اوکے ویری گڈ محمد عباس. ناؤ مائی نیکسٹ کوسچن از فار گرلز. گرلز آپ کو ہمیں بتانا ہے, ارینج دس واٹر باڈیز انکریزنگ آرڈر آف دا ٹوٹل ایریا. انکریزنگ آرڈر کے حساب سے یہ جو واٹر باڈیز ہیں آپ کو ارینج کر کے بتانی ہے ہمیں, ٹھیک ہے؟ آپ کے آپشنس ہیں پیسیفک اوشن, اریبین سی, ڈال لیک, انڈین اوشن. مریم آپ جانتی ہیں, بتائیے. ڈال لیک. ویری گڈ. اریبین سی. ویری گڈ. انڈین اوشن اینڈ پیسیفک اوشن. یس, اینڈ واٹ از پیسیفک اوشن؟ بگیسٹ اوشن ان دا ورلڈ. ویری گڈ, پیسیفک از دا بگیسٹ اوشن ان دا ورلڈ. ویری گڈ, اور آپ نے صحیح ارینج کیا ہے. ویری گڈ مریم. ناؤ مائی نیکسٹ کوسچن از فار بوائز. بوائز آپ ہمیں بتائیے, اسٹارٹنگ ود دا فرسٹ, ارینج دس امپورٹنٹ اوکیشنز ان دا آرڈر ان وچ دے ہیپن ان کیلنڈر ایئر ان انڈیا. اس کو میں تھوڑا نارمل طریقے سے آپ کو سمجھاتی ہوں. کیلنڈر ایئر میں جو اوکیشنز آتے ہیں
वो हमको सिस्टमैटिकली हमें बताना है, पहला कौन सा आता है, फिर बाद में कौन सा आता है, फिर आखिर में कौन सा आता है, वैसे आपको हमें बताना है, ठीक है। सो आपके ऑप्शंस हैं रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे, टीचर्स डे। सबसे पहले क्या आता है जी, जवाब बताइए। रिपब्लिक डे। वेरी गुड। रिपब्लिक डे विच इज ऑन 26 जनवरी। वेरी गुड। देन कम्स ऑप्शंस आर रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे, टीचर्स डे। टीचर्स डे। सेकेंड विल बी वॉट? फर्स्ट इज राइट, रिपब्लिक डे। वेरी गुड। इंडिपेंडेंस डे। वाय इंडिपेंडेंस डे? बिकॉज इट सेकेंड। ओके, वेन इज इंडिपेंडेंस डे? 15th August। वेरी गुड। जैन, देन ऑगस्ट, देन वॉट कम्स? टीचर्स डे। अली अजगर, रिमेनिंग आप बताइए। ही सेड रिपब्लिक डे, देन इंडिपेंडेंस डे, देन टीचर्स डे। वेरी गुड। विच इज ऑन 5th September। वेरी गुड। 5th September, एंड देन गांधी जयंती विच इज ऑन 2nd October। वेरी गुड। गांधी जयंती विच इज ऑन 2nd October। अली हादी, आप बता सकते हैं कि गांधी जयंती के दिन हम किसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? गांधी जी। वेरी गुड। गांधी जी की बर्थडे जो है हम 2nd October को सेलिब्रेट करते हैं एज गांधी जयंती। वेरी गुड अली हादी। अब दोनों टीम्स ने हमारे आंसर बखूबी से दिए हैं और आज की जो हमारी विनिंग टीम है वो है बोथ द टीम्स। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। नाज़रीन, अब बारी आती है हमारे घर बैठे बच्चों की। लास्ट वीक हमने आपसे 3 सवाल किए थे। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं क्या थे वो सवाल। हु वॉज द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन टू रिसीव अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री? विच कंट्री हैज वन ऑल द कबड्डी गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स since the sport was introduced in 1990. What would distinguish even an identical twin from its sibling? Options hai, hair, fingerprint, fingernails, eye color. Jinke sahi jawab hai Helen Keller, India aur fingerprints. और आज के हमारे व्यूअर्स क्वेश्चन की विनर हैं जैनब नासिर आबिदी, जबलपुर मध्य प्रदेश से। कॉन्ग्रेचुलेशन। और अब बारी आती है इस वीक के क्वेश्चंस की। तो ये हैं आपके सवाल। विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज? विच इज द ओनली कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया दैट हैज नेवर बीन रूल्ड बाय अ वेस्टर्न कंट्री? विच इज द ओनली कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया दैट हैज नेवर बीन रूल्ड बाय अ वेस्टर्न कंट्री? व्हेन द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च द ई पासपोर्ट स्कीम, हु रिसीव द फर्स्ट कॉपी? When the Indian government launched the e-passport scheme, who received the first copy? So kids, don't forget to send your answers by Thursday and win exciting prizes. अब बढ़ते हैं हमारे third interesting segment की ओर और देखते हैं क्या है खास हमारे बच्चों के लिए हमारे तीसरे segment amazing facts में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, सलामुन अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है जस्ट फॉर किड्स के तीसरे मरहले यानी सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स। बिल्कुल ठीक, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स में। व्यूअर्स, आपने ये जरूर सुना होगा कि हम अक्सर कहते हैं कि क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी इंसानी दिमाग हर बार काफी चीज को लेकर सोचता रहता है और इसी सोच के जरिए होते हैं काफी सारे इन्वेंशन यानी काफी सारी इजाद। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी को हम किस तरह आसान बनाएं, किस तरह पुरसकून बनाएं। और साथ ही अगर बात ट्रैवल करने की हो तो हम तमाम को ऐसा मोड चाहिए होता है जिसके ज़रिए हम बआसानी ट्रैवल कर सकें। तो आइए व्यूअर्स, बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं कि अगर इन्हें रोडवेज के ज़रिए ट्रैवल करना है तो ये किस चीज़ में ट्रैवल करना पसंद करते हैं। सो किड्स, सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अगर मैं आपको ये ऑप्शन दूँ कि हमें मसलन पिकनिक पर जाना है या कहीं बाहर जाना है आपको आपकी फैमिली के साथ, तो आप किस चीज़ के ज़रिए जाना पसंद करेंगे? कार्स के ज़रिए, बस के ज़रिए, बाइक्स के ज़रिए, किस चीज़ के ज़रिए? कार्स। आप कार्स के ज़रिए जाना पसंद करेंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि कार्स को इन्वेंट किसने किया? वो पहला ड्राइवर कौन था जिसने कार को चलाया? क्या वो एक लड़का था या वो एक लड़की थी? जानना चाहेंगे? यस। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि कार्स को इन्वेंट किसने किया? वैसे काफ़ी सारी कंट्रीज़ के रिसर्चर्स इंजीनियर्स थे जिन्होंने कार के मॉडल के ऊपर काम किया, लेकिन एक शख्स का नाम बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। आप कुछ बताना चाहेंगे अली असगर? कार्ल बेंज। बिल्कुल ठीक अली असगर, वेरी गुड।
1886 में कार्ल बेंस वो पहले इंजीनियर बने जिन्होंने ऑटोमोबाइल का इजाद किया। वैसे काफ़ी इंजीनियर्स थे, काफ़ी लोग कार बनाने के मॉडल पर काम कर रहे थे, लेकिन इनका जो ऑटोमोबाइल था वो एक सक्सेस स्टोरी बना। वो एक ऐसी कार बना पाए जो कि लॉन्ग डिस्टेंस तक चल सकती थी। इनकी जो कार थी वो तकरीबन एक साल तक गैराज में ऐसे ही रखी हुई थी, उसके बाद इस कार को चलाया गया। तो आप हमें ये बताएं, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ड्राइव द कार? वी डोंट नो, आप बताएं। यू डोंट नो। ईयर 1888 अगस्त में कार्ल बेंस की वाइफ बर्था बेंस ने सबसे पहले इस कार को चलाया और वो दुनिया की पहली लेडी बनी टू ड्राइव अ कार फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। बट स्टिल पीपल सेज गर्ल्स आर नॉट गुड ड्राइवर्स। यस, काफ़ी लोग आज फिर भी ये कहते हैं कि गर्ल्स आर नॉट गुड ड्राइवर्स, लेकिन इन्होंने यानी बर्था बेंस ने तकरीबन 106 किलोमीटर तक इस गाड़ी को चलाया जो कि इनके हस्बैंड कार्ल बेंस ने इन्वेंट किया था। और साथ ही साथ इनकी जर्नी में, इनकी गाड़ी में जो भी प्रॉब्लम्स आई, जो भी मुश्किलाहट आई, इस चीज़ों को सॉल्व करने की भी कोशिश की। फॉर एग्जांपल, जब इनकी जर्नी में इनके ब्रेक में मसला आया तो इन्होंने ब्रेक लाइनिंग को इन्वेंट किया। साथ ही साथ जब इसका फ्यूल पाइप ब्लॉक हो गया तो इन्होंने एक हैट पिन के ज़रिए इस फ्यूल पाइप को क्लीन किया और इस ब्लॉकेज को हटाया। वाओ, दैट्स अमेजिंग। यस इट इज़। अब ये तो हमने बात की कार के इन्वेंशंस की, अब आइए बात करते हैं कार से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स की। क्या आप ये जानते हैं किड्स के आज दुनिया में इंसानों से ज़्यादा कार्स मौजूद हैं? सीरियसली? यस, वर्ल्ड पॉपुलेशन क्लॉक के मुताबिक आज दुनिया की आबादी तकरीबन 7.4 बिलियन है, लेकिन एक रिसर्च का ये कहना है कि आज दुनिया में 10 बिलियन कार्स मौजूद हैं। वाओ, हाउ इज इट पॉसिबल? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप ये सोच रहे होंगे कि अगर पॉपुलेशन 7.4 बिलियन की है तो 10 बिलियन कार्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। सच्चाई ये है कि इनमें से कई कार्स ऐसी है जो कि अनसोल्ड है, यानी जो कि बिकी ही नहीं है, और काफ़ी कार्स ऐसी है जो कि कुछ लोगों ने खरीद लिया है लेकिन इसे इस्तेमाल नहीं करते, और काफ़ी कार्स गैराज में पड़े हुए रस्ट हो रही है लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इंटरेस्टिंग जी। और आपको जानकर हैरत होगी कि कार एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसे सबसे ज़्यादा रिसाइकल किया जाता है। तकरीबन 95% कार्स को रिसाइकल किया जाता है। और क्या आप जानते हैं कि एक कार में तकरीबन कितने पार्ट्स होते हैं? आप अंदाज़ा लगाना चाहेंगे कि कितने पार्ट्स मिलकर एक कार बनती है? बॉयज आप बताएं, जवाब आप बताएं। 2000 or 3000? इट इज मच मोर देन, द पार्ट्स आर मच मोर देन 2000 or 3000। अ कार इज मेड अप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30,000 पार्ट्स। वाओ, दैट्स अमेजिंग। यस इट इज। अच्छा किड्स, आप हमें ये बताएं कि आपकी कौन सी ब्रांड फेवरेट है? अगर हम कार्स की बात करें तो आपको कौन सी ब्रांड पसंद है? फातिमा आप बताएं सबसे पहले। फरारी। फरारी, आप जानती हैं कि फरारी को एक दिन में सिर्फ 14 कार्स बनाने का ही लाइसेंस है। वो एक दिन में 14 से ज़्यादा कार्स मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। फोक्सवैगन। फोक्सवैगन राइट, आप बताएं। लैम्बोर्गिनी। ओके अली असगर, आप बताएं। ऑडी। ऑडी ओके, आप बताएं। जवाद। मर्सिडीज। आई मस्ट से यू ऑल हैव रियली ग्रेट टेस्ट इन कार्स। कि तभी हमने बात की फोक्सवैगन की, तो आप हमें ये बताएं कि क्या ये सिंगल ब्रांड है या इसी ब्रांड में और भी कार्स को मैन्युफैक्चर किया है? आई थिंक इट्स अ सिंगल ब्रांड। यू थिंक फोक्सवैगन इज अ सिंगल ब्रांड? तो आपको जानकर हैरत होगी, द पॉपुलर कार सच एज बुगटी, ऑडी, लम्बोर्गिनी, ये सारी ब्रांड्स मैन्युफैक्चर करता है फोक्सवैगन। वाओ। अच्छा कि अगर हम बात करें कि अगर इस कार के इन्वेंशंस में, जैसे कि हम जानते हैं कि हम हर चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, नई चीज़ों का इजाद करते हैं, तो हमें कुछ चेंजेस लाना हो कार्स में, तो आप क्या चाहते हैं, इसमें क्या चेंज होना चाहिए, कौन सी नई चीज़ों का इजाद होना चाहिए कार्स में? सेल्फ ड्रिवन कार्स होनी चाहिए। सेल्फ ड्रिवन कार्स होनी चाहिए, यानी ऐसी कार्स होनी चाहिए जिसमें ड्राइवर्स ना हो तो भी ये अपने आप से चल पाए। ड्राइवरलेस कार्स आप बाई 2020 रास्तों पर देख सकते हैं।
इस मॉडल पर गूगल बहुत ही ज़्यादा दिनों से काम कर रहा है और इनकी ये कोशिश है कि ऐसी कार्स बाय 2020 रास्तों पर आ सके। दैट विल बी ग्रेट। विच कंपनी इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार? विच कंपनी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्स? अगर हम टोयोटा के प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पर नज़र डालें तो टोयोटा एक ऐसी कंपनी है जो एक दिन में 13,000 कार्स को मैन्युफैक्चर करती है। यस यस। और अगर हम बात करें कि दुनिया भर में एक दिन में कितनी कार्स मैन्युफैक्चर की जाती है तो आपको जानकर हैरत होगी कि दुनिया में तमाम ब्रांड्स के कार्स को मैन्युफैक्चरिंग को अगर हम कैलकुलेट करें तो एक दिन में 1,65,000 कार्स मैन्युफैक्चर की जाती है। Are you serious? Yes. एक दिन में हम 1,65,000 कार्स को प्रोड्यूस करते हैं जबकि आज भी दुनिया में कार का पॉपुलेशन हम इंसानों की आबादी से ज़्यादा मौजूद है। एंड दैट्स नॉट अमेजिंग, इट्स एक्चुअली सैड, क्योंकि कार वगैरह यूज़ करने से पोल्यूशन एंड ऑल बढ़ जाता है। तो हमें इस बात की कोशिश करना है कि जो शॉर्ट डिस्टेंस है जहाँ हम चल कर जा सकते हैं वहाँ या तो हम पैदल चले जाएँ या साइकिल का इस्तेमाल करें या फिर हम कार पूल को यूज़ करें, यानी एक कार में अगर 3-4 लोग एक ही जगह जा रहे हैं तो हम एक कार को लेकर जाएं या ना कि हम हमारी इंडिविजुअल कार्स में ट्रैवल करें, राइट? Yes. और ये करने से हम क्या करेंगे? एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, हम एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री कर सकते हैं। सो किड्स, ये थे कुछ फैक्ट्स जुड़े हुए कार से। अब वक्त आता है व्यूअर्स क्वेश्चन का। सो वो किड्स जो घर बैठे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ड्राइव द कार। आप अपने आंसर्स हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है। व्यूअर्स, आपकी राय, आपके रिस्पॉन्सेज हमारे लिए काफ़ी अहम हैं। आप इन्हें लिख भेज सकते हैं winislam@gmail.com पर। इसी के साथ टीम जस्ट फॉर किड्स को दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।